वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली न्यू KTM RC390 बाइक के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो मोटरसाइकिल है वो फ्यू मंथ्स एगो फर्स्ट टाइम स्पोटेड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, कुछ डिटेल के हिसाब से ये जल्द ही रिवेल्ड होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली इस बाइक की स्टाइलिंग, फीचर, स्पेसिफिकेशन एंड कुछ इंजन डिटेल्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो स्पाई हुई थी उसके ऊपर से इसकी काफी सारी डिटेल्स आई है। फ्रेंड्स, के स्पाई में जिसके हिसाब से इसकी स्टाइलिंग में हमें काफी चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, का जो फ्रंट फेयरिंग है वो हमें शार्पर देखने को मिलेगा, जिससे कि ये बाइक भी हमें शार्पर देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, का जो विंडस्क्रीन है वो हमें लार्जर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, के जो ओवरऑल राइडिंग कम्फर्ट में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, RC390 में हमें रिवाइज मेन फ्रेम एंड न्यू सब फ्रेम देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, बाइक में हमें ओवरऑल एर्गोनॉमिक के साथ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस करंट सेटअप से हमें ये बाइक एक्सट्रीमली स्पोर्टी देखने को मिलने वाली है। फ्रेंड्स, बाइक में हमें प्रैक्टिकल सिटी राइडिंग अप्रोच भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस बाइक के इंजन डिटेल्स के बारे में, फ्रेंड्स, बाइक में हमें 390cc सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें यूरो 5 कंप्लायंट के साथ देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, बाइक में हमें न्यू सिलेंडर हेड एंड मैनिफोल्ड गाइड देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो KTM की फुली फेड मोटरसाइकिल है वो दिस ईयर के एंड तक लॉन्च हो सकती है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो इस मोटरसाइकिल के बारे में इतनी डिटेल्स आई है जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए।